हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 3 जुलाई के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला हॉकी क्लब कब शुरू किया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 1885 से 1886 ईस्वी में। दोस्तों, भारत में पहला हॉकी क्लब यह 1885 से 1886 ईस्वी में कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 1885 से 1886 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में। दोस्तों, केरल राज्य में यह कलारीपयट्टू भारत के राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग 17.7% है। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है मैरी क्यूरी। दोस्तों, मैरी क्यूरी या दोस्तों 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है अहमदाबाद को। दोस्तों, अहमदाबाद को यह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अहमदाबाद। तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म के लोगों का। दोस्तों, होला मोहल्ला यह सिख धर्म के लोगों का एक उत्सव है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ईसाई धर्म से। दोस्तों, गुड फ्राइडे यह ईसाई धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन के फटार का आकार कैसा है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है त्रिभुजाकार। दोस्तों, दक्कन के फटार का आकार है त्रिभुजाकार, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनाना केक निम्नलिखित में से किस खेल शब्द से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है फुटबॉल से। दोस्तों, बनाना केक शब्द या दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य से। दोस्तों, खत्री जनजाति यह दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, तानसेन सम्मान यह दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्सा मेजर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है तारामंडल। दोस्तों, ऊर्सा मेजर यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तारामंडल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तारामंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी। दोस्तों, फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों जो अनुच्छेद 26 है यह दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रायका जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य में। दोस्तों रायका जनजाति यह दोस्तों राजस्थान राज्य में निवास करती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैदी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14 से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह भारत के संसद से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी को। दोस्तों कोसी नदी को यह बिहार का सूख कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। दोस्तों बंगाल का दुख दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का दुख महानदी को, असम का दुख ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा क्रम से कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80। दोस्तों जो लोकसभा वह दोस्तों अनुच्छेद 81 से संबंधित है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन यह वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। दोस्तों गोविंदाचार्य यह संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात 946 है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्टों में कम से कम दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में यदि पेपर है, तो आप लोग जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल ने। दोस्तों पाल वंश के धर्मपाल जो राजा था, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल। और यदि हम दोस्तों पाल वंश के जो पाल वंश था, इसकी स्थापना गोपाल दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी से यह वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 यह स्वतंत्रता के बाद यह राष्ट्रीय जनगणना 7वीं जनगणना थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं जनगणना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 54 पैरा एथलीटों ने। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 54। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाई चंद्रचूड़। दोस्तों हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर यह भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके वाई चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाई चंद्रचूड़। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य का। दोस्तों यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिजदा प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलवन ने। दोस्तों सिजदा प्रथा यह बलवन द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलवन। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप लोग आंसर देंगे उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, साक्षरता दर का मानक। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया साक्षरता दर का मानक से संबंधित एक प्रश्न था, आप लोग इस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बांगर मिट्टी। दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर है आप लोगों का बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय किस महिला रेसलर जिसने कॉमनवेल्थ खेल में मेडल जीता? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रूपा उन्नी कृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो लोक नृत्य से संबंधित अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर चैनल पर जो भी लोक नृत्य से संबंधित हैं सभी आप लोग प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा।